हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि आप घर पे बैठे ही कैसे अपना फेशियल घर की कुछ चीज़ों से कर सकते हैं, एंड इससे आपकी स्किन की बहुत मतलब सटल एंड ग्लोइंग स्किन होगी। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं कि ये कैसे बनता है, ये फेशियल कैसे होता है, तो इसे ज़रूर एंड तक देखिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। इस फेशियल के लिए हमें चाहिए 4 इंग्रेडिएंट्स। चलिए देख लेते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स क्या है। एक बाउल में थोड़ा दूध और हाफ लेमन की जूस उसमें निकाल लेंगे, और चाहिए इसमें गुलाब जल। तो मैं यहाँ का डाबर गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ, तो आप इसको भी ले लीजिए, थोड़ा सा ही इसमें मिक्स कर लीजिए। अब हम ले रहे हैं चावल का आटा, और उसमें हम थोड़ी सी चीनी मिला लेंगे अच्छे से। अब इन दोनों को हम डाबर की वही गुलाब जल से अच्छे से मिला लेंगे, और ये हमारा स्क्रब हो गया रेडी। अब हम ले रहे हैं थोड़ा सा कर्ड, एंड उसमें हम मिलाएंगे पतंजलि एलोवेरा जेल, एंड इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। लास्ट स्टेप के लिए चाहिए थोड़ा सा बेसन, उसमें हम लेंगे गुलाब जल, एंड उसमें हम मिलाएंगे हाफ लेमन। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे जो क्लिंजिंग मिल्क बनाया है उसमें मैं अपनी कॉटन के बॉल को डिप करूँगी, एंड इससे अपने फेस पे जो सारा मेकअप मैंने किया है वो मैं उतार लूँगी। तो देखते हैं कि ये कैसा, कितना क्लीन करता है अपने फेस को। आप देख सकते हो कि लिटरली मैंने यहाँ पे लिक्विड मैट लिपस्टिक अप्लाई किया था, एंड लिक्विड आईलाइनर अप्लाई किया था। ये अच्छे से उतर रहा है मेरे फेस से, एंड आप देख सकते हो कि ये कितना मतलब गंदगी निकाल रहा है अपने फेस से। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप है स्क्रब। तो मैं ये सेकंड स्टेप के लिए अपने फेस पे जो मैंने जो स्क्रब बनाया था मैं वो पूरे अपने फेस पे लगा लूँगी, एंड अच्छे से अपने फेस को स्क्रब कर लूँगी। एंड ज़्यादातर अपनी जो टी जोन एरिया होता है, एंड जो चिन एंड ये नोज़ एरिया, यहाँ पे आप अच्छे से स्क्रब कीजिए, क्योंकि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम बाहर ज़्यादा होती है। एंड अपनी लिप्स को भी अच्छे से स्क्रब कीजिए, ताकि लिप्स के ऊपर जो डेड स्किन है वो अच्छे से निकल जाए। अब थर्ड स्टेप है मसाज। तो ये फेशियल का सबसे मेन स्टेप होता है। तो मैंने यहाँ पे कर्ड एंड एलोवेरा जेल मिक्स करके मसाज क्रीम यूज़ किया है, तो दोनों ही आपके स्किन के लिए बेनिफिशियल है। तो आप अच्छे से आपके स्किन को मसाज दीजिए, ताकि आपकी स्किन भी रिलैक्स हो, एंड अच्छे से एक गुड गिव इट अ गुड मसाज। तो अब हम आते हैं अपनी लास्ट स्टेप पे, जिसके लिए हमने जो फेस पैक रेडी किया था वो हम अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा के थोड़ा स्क्रब टाइप कर लेंगे, ताकि फेस भी थोड़ा क्लीन हो सके, एंड उसे रहने देंगे कुछ देर तक। गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल बटन होगा उसे भी ज़रूर हिट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो से आप सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस, दैट्स वाज एक बार मैं बोल भी नहीं सकती।